भाई ये NH 48 पे इतने सारे गड्ढे है ना, इतने सारे। ये वाली गाड़ी दिख रही है, एक फुल स्पीड में ये वाली लेन में जा रही थी, मैं इस तरफ लेन में था, आगे खड्डा, इतनी फास्ट स्पीड में उसे टर्न किया ना, ऑलमोस्ट इधर हिट होते होते रहे। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, आपका गुड मॉर्निंग, हमारा का नाइट हो रहा है, ऑलमोस्ट रात के बज रहे 10:30। कल मॉर्निंग में निकलने वाले थे पर ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है कि चारों तरफ हाहाकार है बारिश का, तो ऐसा डिसाइड किया है कि अभी निकल जाएंगे। बाकी बारिश तो यहाँ चालू है, आवाज़ आ रही होगी, तो चलो अब चलते हैं सीधा। मेरा तो पैक हो गया, और ये जो मैं बोल रहा था ना, ये वाला शख्स आज बोल रहा है कि थार मैं चलाऊंगा, आज उसने चलाई, चलो आप चला लो। 10:30 हुए हैं, अहमदाबाद का लोकेशन डाल देंगे हम गाड़ी में बैठ के, और जब जो रूट से हम आए थे ना वो रूट को अवॉइड करेंगे, दूसरा एक शॉर्टकट ले लेंगे। तो चलो एक बार गाड़ी में बैठ जाओ, धीरे धीरे चलते। भाई पहुंच गए मुश्किल से अंदर आते आते, चलो अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। जय माता जी। यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 358, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर, और सुबह 6 बजे दिखा रहा है, पर हमको ऑलमोस्ट 8 बज जाने चाहिए पहुँचते, क्योंकि बारिश मिलेगी और हल्का फुल्का ट्रैफिक भी मिलेगा। भाई सीट बेल्ट पहन लो। तो यहाँ पे जैसे तेज़ बारिश होते हुए आगे किस तरह से कितनी बारिश मिलती है वो तो आगे जाके पता चलता है। बाकी ये गाड़ी को फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड है भाई, लेफ्ट साइड। ये फॉग भी और ज़्यादा आ गया है, आगे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दिख रहा है, कोई नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, ये घाटी ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ये है सापुतारा से वगई वाला रोड NH 360। तो ये वाला NH 360 जो है ना 62 किलोमीटर तक तकरीबन हमको इसमें रहना है, उसके बाद सूरत वाला हाईवे आएगा, पर हम सूरत वाले हाईवे से नहीं जा रहे ना, नहीं हम अंकलेश्वर वाले रास्ते से जा रहे हैं। जो अंकलेश्वर आते टाइम सूरत से आए थे ना, अंकलेश्वर से कितना फर्क पड़ जाएगा रोड? अंकलेश्वर से हमारा 2 घंटा कम हो जाएगा, 2 घंटा कम हो जाएगा, 8 लेन रोड है। अच्छा, 8 लेन, तो दो वही रास्ते पे जाएंगे, इस बार सूरत से नहीं जाएंगे, क्योंकि सूरत में सुना है हाई अलर्ट है और बारिश भी बहुत तेज ज्यादा है। जी ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर चलने के बाद 12:10, अरे भाई रुक जाओ, 12:10 पे यहाँ पे रुके हैं डीजल भरवा ले, उसके बाद आगे चलेंगे और भी 350 किलोमीटर के आसपास है। तीन हज़ार का डीजल भरवा है, 433 की रेंज आई है और 338 है, तो पहुँच जाएगी आराम से। बाकी बारिश अब वापस से बंद हो गई है, जैसे नीचे आए ना फॉग चला गया, ये अच्छा है, फॉग नहीं है तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी हमने वो अंकलेश्वर वाला हाईवे है ना, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नवसारी से नहीं जाना है हमको, अंकलेश्वर से जाना है, वो रास्ता बहुत खराब है नवसारी वाला, और वहां से फिर अपने अंकलेश्वर वाला रास्ता भी नहीं ले। आते टाइम नवसारी से आए थे ना, ट्रैफिक बहुत मिला था, आ गए हम NH 48 पे, और अभी भी समझो 250 किलोमीटर के आसपास है, सूरज होते हुए ही जाएंगे, क्योंकि ये वाला हाईवे अभी साफ दिख रहा है। पहले ऐसा था कि भाई सूरत से नहीं जाएंगे, सॉरी नवसारी को अवॉइड करेंगे, वो तो हो गया, नवसारी से आए ही नहीं हम, जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सूरत से, सूरत से सीधा अंकलेश्वर हाईवे, मतलब 4 लेन हाईवे, NH 48 को छोड़ना नहीं है।
भाई ये NH 48 पे इतने सारे गड्ढे है ना, इतने सारे, ये वाली गाड़ी दिख रही है, एक फुल स्पीड में ये वाली लेन में जा रही थी, मैं इस तरफ लेन में था, आगे खड्डा, इतनी फास्ट स्पीड में उसे टर्न किया ना, ऑलमोस्ट इधर हिट होते होते रह गया भाई। NH 48 पे बहुत गड्ढे है, बहुत बारिश के टाइम पे बहुत गड्ढे है, देखो इधर आ इधर ऐसे, तो ये दिक्कतें बहुत है। दो तीन बार मेरी गाड़ी भी ऐसी पछड़ाई है ना जोर जोर से, तो मेरा तो दिल बैठ गया कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बजे है और किलोमीटर अभी भी 234 किलोमीटर है, सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंच गया दिखा रहे हैं। चलो भाई अहमदाबाद में बारिश नहीं है। चलो भाई लोग मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। अरे भाई को उठाओ, जब से सापुतारा में निकले तब से सोया हुआ है। चलो तो अभी जैसे लेके गए थे वैसे इन लोग को एक गाड़ी में छोड़ दिया, सुबह भाई उनको छोड़ देंगे, बाकी हम चले अपने घर। चलो गाइस मजा आया, आई होप आपको ये मानसून ट्रिप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्यार दिखाना, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी रोड ट्रिप पे। देन सी यू, सायनारा।